दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नए नए वर्ड हम लोग सीखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर वाई ई एस टी, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स येस्ट, ठीक है, ये टा, ठीक है, इसको येस्ट पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है फ्रेंड्स उफान, ओके। दूसरा वर्ड फ्रेंड्स देखिए येस्टर, इसको पढ़ते हैं, येस्टर का मतलब होता है फ्रेंड्स बीता हुआ या बीता हुआ कल भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टरडे का मतलब होता है फ्रेंड्स बीता हुआ कल या बीता हुआ दिन, ओके, या बीता हुआ कल या बीता हुआ दिन, दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। तो स्टरडे का मतलब बीता हुआ कल। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर येस्टर्न, ठीक है, येस्टर्न का मतलब होता है गत दिवस संबंधी, ओके। और अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर येस्टर्न नाइट, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं गत रात्रि, मतलब कि लास्ट नाइट बोल सकते हैं आप लोग, गत रात्रि जिसको कहते हैं येस्टर्न नाइट, ओके। और येस्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स फेनदार, पीछे आप लोगों को बताए हैं हम, तो फेनदार का मतलब क्या होता है झागदार, यानी कि ठीक है। तो येस्टी वाई ई एस टी वाई, येस्टी का मतलब होता है फेनदार। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स येट, येट का मतलब होता है तथापि अब भी होता है, यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तथापि अब भी या इस समय भी होता है, तो भी होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नए नए वर्ड। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स यक्स, यक्स का मतलब होता है फ्रेंड्स हिचकी या हुक्का भी होता है, ठीक है, हिचकी, सॉरी हुक्का कह रहे हैं, हिक्का, ठीक है, हिचकी या हिक्का होता है यक्स का मतलब। यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स इल्ड, इल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स उत्पन्न करना, ओके, या बदले में देना, हवाले करना भी होता है, स्वीकृति करना भी होता है इल्ड का मतलब, ठीक है, इल्ड मतलब उत्पन्न करना, बदले में देना, हवाले करना, स्वीकृति, स्वीकार करना, ओके, इल्ड। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स इल्ड एबलनेस, ठीक है, इल्ड एबलनेस का मतलब होता है अनुकूल प्रकृति, ओके। और अगला वर्ड है फ्रेंड्स इल्डांस, ठीक है, ध्यान से लिखिएगा इल्डांस, इल्डांस इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इल्डांस का मतलब होता है फ्रेंड्स स्वीकृति, ओके। और फ्रेंड्स एल्डर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए वाई आई ई एल डी ई आर, तो एल्डर का मतलब होता है स्वीकार करने वाला, ओके, एल्डांस का मतलब होगा स्वीकृति और एल्डर का मतलब स्वीकार करने वाला होगा, ओके। और नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एल्डिंग, ठीक है, एल्डिंग, एल्डिंग का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, तो अनुकूल अनुविरोधी होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग कामा लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, अनुकूल भी होता है, अनुरोधी भी होता है, समर्पण भी होता है, ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स आप लोग अनुरोधी यहाँ पर लिख लीजिएगा इसको, अनुकूल अनुरोधी समर्पण, ये तीन चीजें होती हैं जो कि एल्डिंग का मतलब, ओके। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एल्डिंगली का मतलब होता है फ्रेंड्स समर्पण करने हुए, ठीक है, समर्पण करते हुए या अनुरोध करते हुए है, ओके, एल्डिंगली का मतलब। तो फ्रेंड्स ये था, आप लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए आज नए नए वर्ड यहाँ पर हम लोग सीखते हैं फ्रेंड्स वाई से। यहाँ पर पहला वर्ड है फ्रेंड्स स्टीनेस, ठीक है, स्टीनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स झागपन, ओके। और स्टी, ठीक है, स्टी का मतलब होता है फ्रेंड्स झागदार या फेनदार भी होता है, ठीक है, स्टीनेस आप लोग का फ्रेंड्स ये नाउन है, ओके, और स्टी जो है आप लोग का एडजेक्टिव है। चलिए अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ईट, वाई ई डी ई, ईट का मतलब होता है फ्रेंड्स आगे बढ़ना या आगे जाना भी होता है, ठीक है, यहाँ पर नीचे जो नीचे हुआ है फ्रेंड्स ये भी आप लोग का वाई डबल ई डी है, तो इसके माने भी आप लोग का आगे जाना या आगे बढ़ना दोनों होता है, ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है फ्रेंड्स, आगे बढ़ना या आगे जाना, ओके। चलिए अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए येल्ट्रिन, येल्ट्रिन का मतलब होता है फ्रेंड्स पीले रंग का तोरण, और यहाँ पर नेक्स्ट जो आप लोगों को पता ही है येल्क, ठीक है, वाई ई एल के, येल का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडे का जो पीला वाला भाग खाते हैं फ्रेंड्स हम लोग, उसको येल्क बोला जाता है, ओके। और वाई ई डब्ल्यू एल, येल का मतलब होता है फ्रेंड्स चिल्लाहट, ठीक है, या चित्कार, या आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स शोर मचाना सिंपल तरीके से, ठीक है, चिल्लाहट, चित्कार, शोर मचाना होता है येल, वाई ई डबल एल का मतलब,
चलिए अगला यहाँ पर देख रहे हैं वर्ड, यहाँ पर देखिए वाई ई डबल एल ओ डब्लू आई एस एच, इसको येलोइस पढ़ा जाता है फ्रेंड्स, तो येलोइस का मतलब होता है कुछ पीला। ओके और अगला वर्ड है यहाँ पर येलो, ठीक है येलो ईसनेस, ठीक है येलो ईसनेस का मतलब होता है पीलापन। ओके और अगला वर्ड है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं फ्रेंड्स योमन, ठीक है योमन, योमन का मतलब होता है फ्रेंड्स क्षेत्रपाल या जमींदार भी होता है फ्रेंड्स, या गृहपति भी होता है। ओके गृहपति, क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल और जमींदार गृहपति। ओके यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स देखिए ह्यूमन लाइक, ह्यूमन लाइक का मतलब होता है फ्रेंड्स गृहपति के सदृश। ओके और यहाँ पर अगला वर्ड है फ्रेंड्स ह्यूमनली, ह्यूमनली का मतलब होता है फ्रेंड्स क्षेत्रपाल संबंधी। ओके यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स वाई ई आर के, यर का मतलब होता है एकाएक तेज चाल, जिसको आप लोग समझ सकते हैं सडन क्विक मोशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है सडन क्विक मोशन, जो जो एकाएक तेज चाल होता है। ओके और ये तो आप लोगों को पता ही है, यरनट का मतलब होता है मूंगफली, वाई ई आर एन यू टी, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स। तो मतलब होता है हिचकी लेना, वाई ई एक्स, वाई ए पी याक मीन्स कुत्ते की तरह भौंकना, यंक वाई ए एन के यंक मीन्स झटका देना, वाई ई ए ये मीन्स हाँ, वाई ए टी सी एच यच मीन्स होता है नाव, ये वाई ए सी एच टी भी होता है याट या फिर याच जो कह सकते हैं, दोनों का मतलब नाव होता है। यका मीन्स होता है सदा हरा रहने वाला वृक्ष, वाई ए डबल सी ए, यफल मतलब होता है हरा कटफवा, वाई ए एफ एल ई ये एक पक्षी का नाम है कटवा, येगर मतलब होता है पैदल जर्मन सिपाही, वाई ए जी ई आर, वाई एच डबल ओ यह मीन्स वन मानुस, वाई ए एम यम मीन्स अरुई, वाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू येलो मीन्स होता है पीला बाघ, यमन, यमन का मतलब होता है चीन का सरकारी दफ्तर, वाई ए एम यू एन, यांकी मीन्स होता है अमेरिका के यूनाइटेड प्रांत का निवासी, यूनाइटेड स्टेट का निवासी, जिसको संयुक्त राज्य कह सकते हैं, संयुक्त राज्य का निवासी अमेरिका के, उनको यांकी कहा जाता है, वाई ए एन की डब्ल्यू, येनोलो आइट इसका मतलब होता है दानेदार खनिज, वाई ए एन ओ एल ओ आई टी ई, यपन मतलब होता है एक प्रकार की चाय, वाई ए पी ओ एन, यार्ड मीन्स आंगन, वाई ए आर डी, यार्डन का मतलब होता है पाल के डंडे का सिरा, यार्ड अर्म ठीक है ना, जिसको यार्ड अर्म कहते हैं, वाई ए आर डी ए आर एम, यप मतलब होता है एक प्रकार की जिल्दबंदी जो पुस्तक के किनारे से उभरती है, उसको यप कहते हैं, यार्ड मास्टर मतलब रेलवे के बाड़े का निरीक्षक, रेलवे के बाड़े का निरीक्षक जो होता है उसको यार्ड मास्टर कहते हैं, वाई ए आर डी एम ए एस टी ई आर, ईयर मतलब होता है निपुण, वाई ए आर ई, यार्ड मतलब होता है धागा, वाई ए आर एन, वाई ए डबल आर यार गुर्राना, यारिस वाई ए डबल आर आई एस एच, यारिस इसका मतलब होता है सूखे स्वाद का। एक अगला है यारो, वाई ई डबल आर ओ डब्ल्यू, येरो का मतलब होता है एक प्रकार का पौधा, येटाघन, येटाघन का मतलब कटार, यानी जो छोटी तलवार होती है आगे से मुड़ी होती है उसको कटार कहते हैं, येटाघन होता है उसको, वाई ए टी ए जी एच ए एन, येट मीन्स फाटक, वाई ए टी ई, यॉप, यॉप मतलब होता है बच्चे की तरह चिल्लाना, वाई ए यू पी, यॉ मीन्स फफोले पड़ना, वाई ए डब्ल्यू, यॉल मतलब मछली पकड़ने की नाव, वाई ए डब्ल्यू एल, वाई ए डब्ल्यू एन यौन मीन्स जमाई लेना, यौज मतलब चमड़े पर पैदा होने वाली गांठ ग्रंथि, वाई ए डब्ल्यू एस, यलेट वस्त्र पहनते हुए, वाई ई एल ए डी, यलेप्ड का मतलब होता है पुकार का नाम, वाई ई एल ई पी ई डी, वाई ई ये मीन्स आप लोग, वाई ई ए एन यिन मतलब बच्चे जानना यानी बच्चे पैदा करना, वाई ई ए आर ईयर मीन्स वर्स, ईयर मतलब होता है इच्छा करना, वाई ई ए आर, येड मतलब होता है आगे बढ़ना, वाई ई टी ई या फिर वाई डबल ई डी, यल्ड्रिन वाई ई एल डी आर आई एन, यल्ड्रिन मतलब होता है पीले रंग का तोरण,
अगला है वाई ओ एल के, योल्क मीन्स अंडे का पीला भाग। यहाँ पे एक और मैं लिख दूँ तो गलती ना होगा, वाई ई एल के भी होता है येल्क, येल्क मीन्स होता है अंडे का पीला भाग। अगला है येल्प, वाई ई एल पी, येल्प मतलब होता है कुत्ते का पीड़ा से भौंकना, यानी कुत्ते का दर्द से भौंकना ही येल्प होता है। येन, वाई ई एन, येन मतलब होता है, ये जापानी मुद्रा का नाम है वाई ई एन। योमैन का मतलब होता है क्षेत्रपाल, वाई ई ओ एम ए एन। यर्क मतलब होता है एक तेज चाल, तेज गति, ठीक है, वाई ई आर के। यर्नट का मतलब मूंगफली, वाई ई आर एन यू टी। जीट मतलब उफान, वाई ई ए टी। यस्टर मतलब बीता हुआ, वाई ई एस टी आर। येट फिर भी, वाई ई टी। यू इट मीन्स सदा हरा रहने वाला वृक्ष, वाई ई डब्ल्यू। येडिस परदेसी यहूदियों की भाषा, वाई आई डबल डी आई एस एच। येल्ड मीन्स उत्पन्न करना, वाई आई ई एल डी। यलंग, यलंग हरे पीले सुगंधित फूलों का वृक्ष, उसको यलंग कहते हैं। योइक, हाँ ये जो वर्ड है आप जैसे कि ये कह सकते हैं कि जब लोमड़ियों को पकड़ने के लिए जो शिकारी कुत्ते होते हैं जब उनको बोला जाता है तो ये वर्ड्स इस्तेमाल किया जाता है, लुहा लुहा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में यॉक कहते हैं, वाई ओ आई सी के एस। एक और होता है ये यॉक होता है और ये होता है योक, वाई ओ के ई। योक मीन्स जुआ। योकल का मतलब होता है अज्ञानी, वाई ओ के ई एल। वाई ओ एन, यौन। यहाँ पे एक और वर्ड मीनिंग मैं लिखूँ तो गलत नहीं होगा, वो होगा वाई ए डब्ल्यू एन। यान मीन्स भी होता है सामने का, ठीक है, ये दोनों का मतलब होता है सामने का, वाई ए डब्ल्यू एन, वाई ओ एन। यौन मीन्स पागल, वाई ओ एन डी। हाँ यहाँ पे जो पागल होता है इसका मतलब होता है प्यार में पागल, ठीक है ना। मैं अगर ऐसे कर देता हूँ ये थोड़ा सा अच्छा, पागल वो प्यार में, इसको यौंड कहते हैं, वाई ओ एन डी। यौंडर का मतलब होता है दृष्टिगोचर, ये मजनू वाला बात है यहाँ पे। यौंडर का मतलब होता है दृष्टिगोचर, वाई ओ एन डी ई आर। यौंकर मतलब होता है युवा मनुष्य, वाई ओ एन के ई आर। योर का मतलब होता है प्राचीन, पुराना, वाई ओ आर ई। यंग मीन्स जवान, वाई ओ यू एन जी। यंगर, वाई ओ यू एन जी ई आर। यंगर मीन्स छोटा। यौंकर, वाई ओ यू एन के ई आर। यौंकर मतलब होता है लड़का। यौल, वाई ओ डब्ल्यू एल। यौल मीन्स भौंकना। अब ये भौंकना या तो कुत्ते का हो सकता है या भेड़िए का, दोनों यौल ही होता है। यका मतलब होता है कुमोदनी, वाई यू डबल सी ए। लीली भी इसका मतलब होता है कुमोदनी का। यक मीन्स खुजली होना, वाई यू सी के। यकर मीन्स सुनहले पंख वाला कटफड़वा, वहाँ पे हरा कटफड़वा था, यहाँ पे सुनहले पंख वाला कटफड़वा, उसको यकर कहते हैं, वाई यू सी के ई आर। यक मतलब होता है रूसी चमड़ा, ठीक है। वाई यू एफ टी। युग मीन्स युग, युग होते हैं ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इस वक्त कलयुग चल रहा है, ये युग का नाम दिया गया, इसको भी इंग्लिश में युग ही कहते हैं, वायु जी है। युलन मतलब होता है फूल का सुंदर वृक्ष, फूल का अच्छा जो वृक्ष होता है उन्हें युलन कहते हैं, वायु एल ए एन। ये वैसे तो ऐसे हो सकता है कि एक प्रकार का फूल का सुंदर वृक्ष। यूल मीन्स होता है क्रिसमस का प्राचीन नाम, ये जो क्रिसमस त्योहार आता है उसका पुराना नाम यूल है, वायु एल। यंग्स मीन एक प्रकार की चिड़िया, वायु यन यक्स। यहाँ पे मैंने भूल गया है। अगला है यर्ट, यर्ट मीन्स ध्रुवीय देश के निवासियों का खेमा, वाई यू आर टी। यमर मीन्स होता है हकलाना, वाई ए डबल एम ए आर। यमा मतलब यम, वाई ए एम ए। इस यम का मतलब मृत्यु का देवता, यम का मतलब क्या होता है, मृत्यु का देवता। यम मृत्यु का देवता। यार्ड वैंड का मतलब होता है नापने का गज, वाई ए आर डी डब्ल्यू ए एन डी। येलो क्रॉस गैस इट मीन्स सरसों से निर्मित विषैली गैस का जर्मन नाम, जर्मन में सरसों से निर्मित विषैली गैस का नाम है येलो क्रॉस गैस। येलो पेरिल का मतलब होता है पीत आतंक, वाई ई डब्ल एल ओ डब्ल्यू पी ई आर आई एल। यब्बू का मतलब होता है अफगानी टट्टू, वाई ए बी डबल ओ। वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई। यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, यस्टर नाइट, वाई ई एस टी ई आर एन आई जी एच टी गत रात्रि। यावे मीन्स होता है रास्ता, भूला हुआ, वाई ए डब्ल्यू ए वाई। वाई ई ए एस टी वाई, यीस्ट मीन्स खमीर युक्त,
Y-E-A-R-L-Y-E-A-R-L-Y means वार्षिक. Yours faithfully, बहुत त्रिष्ट जिसको कहते हैं इंग्लिश में. Y-O-U-R-S-F-A-I-T-H-F-U-L-L-Y. Yours sincerely, yours sincerely का मतलब बहुत ही होता है. Y-O-U-R-S-S-I-N-C-E-R-E-L-Y. Early means शीघ्रता से. Y-A-R-E-L-Y. Yeomanry का मतलब होता है छोटे क्षेत्रपालों का वर्ग. Y-E-O-M-A-N-R-Y. Yeomanry, it means क्षेत्रपाल संबंधी. Y-E-O-M-A-N-L-Y. Yeowningly, it means होता है जमहाई लेना. Y-E-W-N-I-N-G-L-Y. Yellow, Y, it means सुवर्ण लड़का, सुंदर लड़का. Y-E-L-L-O-W-B-O-Y. Yours obediently, Y-O-U-R-S-O-B-E-D-I-E-N-T-L-Y. Yours obediently, it means आपका आज्ञाकारी. Youthfully means होता है युवा रूप से. Y-O-U-T-H-F-U-L-L-Y. Youth sum means होता है यौवन. Y-O-U-T-H-S-O-M-E. It means होता है यौवन. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू.